लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। 16 सीटों पर प्रत्याशियों की सूची जारी की गई है। लोकसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बताएं, समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। समाजवादी पार्टी की तरफ से पहली लिस्ट, 16 प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है। हालांकि विधानसभा चुनाव में एटा से देवेश शाह के प्रत्याशी बनाए गए हैं, डिंपल भी मैदान में रहेंगी। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा को मौका दिया है पार्टी ने। लोकसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट आपको बता दें, संभल से शफीकुर रहमान बर्क, मैनपुरी से ये पारंपरिक सीट है यादव परिवार की, डिंपल यादव मैदान में होंगी। लखनऊ से रविदास मेहरोत्रा। लोकसभा चुनाव से जुड़ा बड़ा अपडेट, समाजवादी पार्टी ने 16 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। जबलपुर में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ओमकार मरकाम को बड़ा ऑफर दिया। सीएम ने कांग्रेस नेता से कहा, आप गलत पटरी पर बैठे हैं, आप हमारे साथ आ जाइए, जल्द लोकसभा चुनाव है। ऐसे में ओमकार मरकाम को सीएम ने जो कुछ कहा उसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कई सड़क परियोजनाओं की सौगात दी थी। इस कार्यक्रम में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा विधायक ओमकार मरकाम भी शामिल हुए। ओमकार मरकाम आदिवासी नेता है, डिंडौरी से चुने जाते हैं, चौथी बार के वो विधायक हैं, लिहाजा तरह तरह की बातें अब हो रही हैं। ऐसे माननीय मोहन यादव जी हमारे बीच, एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओंकार सिंह जी कहाँ है, मरकाम जी कहाँ, गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओंकार सिंह जी का। एक हमारे डिंडोरी के विधायक ओंकार सिंह जी कहाँ है, मरकाम जी कहाँ, गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ आओ, कहाँ मतलब है। चलिए जोरदार अभिनंदन ओंकार सिंह जी। और सीएम डॉक्टर मोहन यादव के ऑफर पर ओमकार मरकाम का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि सीएम को मध्य प्रदेश के विकास पर ध्यान देना चाहिए। गलत पटरी पे बैठे हो, हमारे साथ मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आप प्रदेश के विकास में काम करिए, इस तरह से आप दिमाग मत चलाइए। आप मुख्यमंत्री जी को बताना चाहते हैं कि आप प्रदेश के विकास में काम करिए, इस तरह से आप दिमाग मत चलाइए, आप प्रदेश के विकास में काम करिए। और अब एक बड़ा बयान, पूर्व गृह मंत्री, छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस सरकार गिरने को लेकर ताम्रध्वज साहू ने कहा कि ढाई ढाई साल के फॉर्मूले से जनता में कांग्रेस के प्रति उत्साह कम हो गया, पार्टी की बात इस तरह से सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी। ढाई साल का मुद्दा बघेल और सिंहदेव के बीच की बात। गिरने का उसमें कितना हाथ है तो नहीं कह सकता, पर ढाई ढाई साल की बातें समाचार पत्रों में लगातार छपती रही, बातें आती रही, तो जनता में थोड़ा सा उत्साह की कमी तो होता है इन प्रकार की बातों से। पार्टी के अंदर जो बातें होनी चाहिए वो बाहर सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। यानी ये ढाई ढाई साल का मुद्दा सही था, आप भी ढाई ढाई साल की मुद्दा सही था कि नहीं, ये तो माननीय भूपेश बघेल जी और टी एस सिंहदेव जी के बीच की बात है, वो लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी, ये एक बड़ा बयान पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का। हालांकि उनसे सवाल पूछा गया तो क्या ये बात सही थी ढाई ढाई साल वाली, तो फिर वो कहते हैं कि ये तो मुझे नहीं पता। छत्तीसगढ़ की सियासत में कांग्रेस की प्रचंड जीत 2018 में हुई और उसके बाद से लगातार ये ढाई ढाई साल की बात चलती रही। उमेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, पूर्व गृह मंत्री का बड़ा बयान और इस बड़े बयान के साथ बीजेपी को बड़ा मौका, इसके अलावा आपने फिर पूछा उनसे तो क्या ढाई ढाई साल की कोई बात थी, इसे ताम्रध्वज साहू टाल गए। उमेश,
बिल्कुल अली जी, देखिए इस बात से कोई इंकार भी नहीं कर सकता है कि ढाई ढाई साल का जो मुद्दा रहा है उसको भारतीय जनता पार्टी ने बेहद ही चतुराई से पूरे छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में कैश किया है। और यही वजह है कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि ढाई ढाई साल का मुद्दा नहीं रहा है। दोनों जो कांग्रेस के बड़े लीडर है, चाहे भूपेश बघेल की बात करें जो मुख्यमंत्री थे, या टी एस सिंधो जो डिप्टी सीएम थे, उनके बीच ढाई ढाई साल की बात को लेकर लगातार सियासत देखी जाती रही है। चाहे वो कांग्रेस की बात करें या भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी ने तो इसको कैश भी किया। इसके साथ ही आज फिर से इस मुद्दे को लेकर जब उनसे बात पूछी गई कि ढाई ढाई साल का मुद्दा कहीं ना कहीं भारतीय कांग्रेस के लिए सरकार गिरने की वजह बनी क्या, तो उन्होंने कहा वो तो ये नहीं जानते, लेकिन ये जरूर था कि ढाई ढाई साल के जो मुद्दे हैं उसको सार्वजनिक रूप से नहीं आना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो वो थी टी एस सिंहदेव और भूपेश बघेल के बीच की बात थी। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से ढाई ढाई साल वाला जो मुद्दा है वो फिर से निकल कर सामने आया, चूंकि अभी लोकसभा चुनाव नजदीक है। ऐसे में इन एक बार फिर से ढाई साल का मुद्दा कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव को। शिव सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ गए, उनका एक रिएक्शन हम इस पर ले लेते हैं। ठाकुर साहब, बयान आया है, ताम्रध्वज साहू का बयान आया है, उन्होंने कहा कि ढाई ढाई साल की बात सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए थी, कांग्रेस को नुकसान हुआ। जी प्लीज ठाकुर साहब। देखिए ऐसा है सर कि पार्टी में अनुशासन जरूरी है और अनुशासन मनभेद नहीं होना, मतभेद चलता है लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो पार्टी में अनुशासन तो आया था मामला, इसको भारतीय जनता पार्टी ने बेवजह। तो आप मानते हैं ठाकुर साहब के अनुशासनहीनता है कांग्रेस में? अनुशासन में पार्टी को अनुशासन, पार्टी अनुशासनहीनता जो करता है उसके ऊपर कार्रवाई होती है। हमारे यहाँ भी मैं आ रहा हूँ ठाकुर साहब, ये पूरा जवाब मैं आपसे लूंगा। अशोक बजाज बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बजाज साहब, बयान आया है, पूर्व गृह मंत्री कह रहे हैं ताम्रध्वज साहू साहब के ढाई ढाई साल की बात का नुकसान हुआ है, कांग्रेस के प्रति लोगों में उत्साह कम हुआ, आपका रिएक्शन बजाज साहब? देखिए ललित जी, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है कि उनके अंदर ये आंतरिक क्या समझौता हुआ था, इन दोनों नेताओं के बीच में समय को लेकर कितने कितने दिन कौन रहेगा, ये उनका आंतरिक मामला है। हाँ, इसमें हमें कुछ, हालांकि उनके आंतरिक मामले पर बीजेपी के नेताओं ने जमकर बाह्य बयान दिए थे बजाज साहब। हाँ, सवाल इस बात का है कि इस प्रसंग के आने के बाद जिस ढंग से विधायकों को लामबंद किया गया, दिल्ली दो दो बार ले जाके उनकी खातिरदारी की गई, और जिस प्रकार जो प्रपंच हुआ है उसके कारण जो अंतर्द्वंद कांग्रेस में बढ़ा वो एक कारण हो सकता है। लेकिन ये वादा खिलाफी इन्होंने की, पूरे प्रदेश में की जनता को इन्होंने धोखा दिया, ठगी की, और जो विकास के काम है पूरी तरह ठप हो गए। कुल मिलाकर कानून व्यवस्था यहाँ ऐसी चरमरा गई कि यहाँ संभालना मुश्किल हो गया, रायपुर जैसी राजधानी जाकुपुर कहलाने लग गई, और जनता आज इसके कारण से कांग्रेस से रूठ गई। ठीक। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अशोक बजाज साहब। हालांकि ठाकुर साहब के लिए सवाल थे, लेकिन ठाकुर साहब वक्त की कमी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। और उमेश लगातार अपडेट दे रहे थे, उमेश आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इधर लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। दिल्ली में महामंत्रियों की बैठक थोड़ी देर में शुरू होनी है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अगुवाई में मंथन होगा। लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन के साथ साथ पार्टी रणनीति बनाएगी। इससे पहले दिल्ली में ही आज सुबह बीजेपी की समन्वय समिति की बैठक हो चुकी है, दिल्ली में बीजेपी की बड़ी बैठक, महामंत्रियों की बैठक थोड़ी देर में होनी है और कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो चुकी है, समन्वय समिति की बैठक हो चुकी है सुबह। तो अब बैठकों के सिलसिले लगातार चल रहे हैं। ...2024 को लेकर बीजेपी अपनी रणनीति को धार देती हुई सीधा दिल्ली लिए चलेंगे। सहयोगी विनीत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीत, क्या कुछ अपडेट? सुबह समन्वय समिति की बैठक, अब महामंत्रियों का मंथन, क्या अपडेट आपके पास विनीत?
जी निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि बीजेपी जो है वो हर एक समय समय पर महामंत्रियों की बैठक जो है वो करती है, और इसी कड़ी में इसे हम देख सकते हैं। जैसा कि अब हम देख सकते हैं कि बीजेपी जो है वो अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो है वो करने जा रही है, लोकसभा चुनाव के पहले ये बैठक होगी, और इसके साथ ही साथ टिकटों को लेकर के भी बीजेपी जो है अब बड़ा फैसला जो है वो लेने जा रही है। तो इससे पहले जो है बीजेपी की जो कार्यक्रम है, विभिन्न कार्यक्रम है, उसको लेकर के समीक्षा जो है वो की जा रही है। अभी हमने सुबह में भी देखा कि समन्वय समिति की जो बैठक है वो आयोजित की गई थी, और उसके बाद जो अगर अब हम देखें तो अब बीजेपी राष्ट्रीय महामंत्रियों की बैठक जो है वो बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ले रहे हैं। साफ तौर पर बीजेपी की भविष्य की योजनाओं और भविष्य की रणनीतियों को लेकर के चर्चा अब हो रही है, क्योंकि जैसा कि अब लोकसभा चुनाव के बारे में बात करें, जो 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो काफी महत्वपूर्ण है, और बीजेपी हालांकि बीजेपी की ओर से यह साफ हो गया है कि बीजेपी जो है वो अगली बार सत्ता में आ सकती है, बीजेपी के लोग जो है वो ऐसा मानते हैं, लेकिन कहीं कोई कसर ना रह जाए इसको लेकर के पूरी कवायद जो है वो की जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बार 400 पार नारा तो पहले ही तय हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, सहयोगी विनीत विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर छत्तीसगढ़ में बीजेपी नेता अजय चंद्राकर ने बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव को लेकर चंद्राकर कह रहे हैं कि कांग्रेस के अलावा भी कई बड़ी हस्तियां बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, होने की बात उन्होंने कही। कांग्रेस का पलटवार आया, कांग्रेस ने दावा किया कि बीजेपी के कई बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस ही नहीं, जनजी लोक जीवन से जुड़े बहुत सारे बड़े हस्ताक्षर भाजपा में फरवरी महीने में आपको मिलेंगे कि भाजपा में शामिल होते हुए देखेंगे। अजय चंद्राकर के इस बयान के बाद प्रदेश में सियासत गर्मा गई है। अजय चंद्राकर ने फरवरी में कांग्रेस के अलावा दूसरी बड़ी हस्तियों के बीजेपी में शामिल होने की बात कही। अगर ऐसा होता है तो विधानसभा में हार के बाद कांग्रेस को दूसरा बड़ा झटका लगेगा। एक बार फिर सुनिए बीजेपी नेता ने क्या कहा। कांग्रेस ही नहीं, जनजी लोक जीवन से जुड़े बहुत सारे बड़े हस्ताक्षर भाजपा में फरवरी महीने में आपको मिलेंगे कि भाजपा में शामिल होते हुए देखेंगे। पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया, साथ ही दावा किया कि बीजेपी के बड़े नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। कांग्रेस के प्रदेश संचार अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने ये तक दावा किया कि लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई नेता ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे नेता जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, नाम लेना सार्वजनिक उचित नहीं होगा, लेकिन वे सारे के सारे लोग हमारे नेतृत्व के संपर्क में हैं, और वे चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ का राजनीतिक समीकरण कुछ बदला जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र में भरोसा रखती है, तो ऐसे लोगों को जो ऑफर है उसको पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, लेकिन बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं, और वो चाहते हैं कि वर्तमान सरकार को अस्थिर किया जाए, उसको गिराया जाए। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ बीजेपी और कांग्रेस ने कमर कसनी शुरू कर दी है, तो दूसरी तरफ संपर्क की सियासत भी शुरू हो गई है। दोनों दल सेंधमारी का दावा कर रहे हैं, हालांकि किसके दावे में कितना दम है ये आने वाला वक्त बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस पुरजोर तैयारियों में लगी। कांग्रेस ताबड़तोड़ बैठकें कर रही, प्रत्याशियों को लेकर मंथन हो रहा है, और बीजेपी चुनाव कार्यालयों का उद्घाटन कर रही है। इन सब के बीच एक दूसरे पर जबानी तीर छोड़े जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव को लेकर पारा गर्माने लगा है। प्रत्याशी चयन से पहले बीजेपी चुनाव कार्यालय का शुभारंभ कर रही है। रायपुर में सीएम विष्णुदेव साय ने कार्यालय का उद्घाटन किया, तो दुर्ग में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने केंद्र कार्यालय का उद्घाटन किया। सीएम ने जहां मौजूद लोगों से पीएम मोदी को जिताने का वादा लिया, तो वहीं डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने प्रदेश की सभी 11 लोकसभा जीतने का दावा किया। डिप्टी सीएम ने तो ये तक कह दिया कि भूपेश बघेल सहित कई कांग्रेसी लोकसभा चुनाव डर के मारे लड़ना ही नहीं चाहते। तो ये लगता है कि 5 लाख से भी ज्यादा मतों से जीतेंगे। संयोजक की थोड़ा कंजूसी किए हैं, 5 लाख बोले हैं। आप लोग चाहेंगे तो 5 लाख से भी ज्यादा मतों से जिताएंगे कि नहीं।
11 की 11 लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट बहुमत की सरकार केंद्र में बनेगी, ये सारी घोषणाएं, ये सारे पूर्वानुमान मैं अभी से आपको कह दे रहा हूँ। इधर पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय ने बीजेपी के कार्यालय उद्घाटन पर तंज कसा है। विकास उपाध्याय ने कहा कि बीजेपी लोगों को भ्रमित करने का काम करती है, ये ताम झाम कर लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों की डिमांड और मांग जो भारतीय जनता पार्टी ने घोषणा पत्र में की थी, उससे भटकाने के लिए अब लोकसभा का कार्यालय खोल रहे हैं। प्रत्याशी कौन है जानकारी नहीं है, दूल्हा है नहीं, स्टेज बन गया, ड्रेस आ गई, सब ताम झाम हो गया, बाजा बुक हो गया, लेकिन मैं समझता हूँ अभी प्रत्याशी उनका तय नहीं हुआ। लेकिन अब जनता के बीच में एक भ्रम की स्थिति पैदा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार के काम कर रही है। उधर सांसद और प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज सुकमा पहुंचे और कांग्रेस भवन में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। दीपक बैज ने कहा, चुनाव कौन लड़ेगा ये पार्टी तय करेगी, क्योंकि आज जनता त्रस्त है, परेशान है, किसान परेशान है, युवा परेशान है, माता बहन परेशान है, इसलिए आने वाला समय में लोकसभा का नतीजा बिल्कुल विधानसभा से जस्ट उल्टा है। बहरहाल जो भी हो, दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी को पुख्ता कर रहे हैं। जहां कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार को पचाने के लिए जोर लगा रही है, तो वहीं बीजेपी खुद को और मजबूत बनाना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, रायपुर, छत्तीसगढ़। गांव चलो अभियान के बीच ग्रामीण इलाके में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। 4 जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में 3 पर बीजेपी ने कब्जा कर लिया है। सीहोर में महेंद्र इंजीनियर, जबलपुर में महेंद्र बरवड़े, खंडवा में पिंकी वानखेड़े ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। ऐसे में 3 जिला पंचायत में बीजेपी का जिला पंचायत अध्यक्ष बनना तय है। जिला पंचायत अध्यक्षों के विधानसभा चुनाव लड़ने की वजह से 4 सीटें खाली हो गई थी। इन सीटों पर चुनाव हुए, इसमें से 3 में बीजेपी ने कब्जा किया है। सीहोर में महेंद्र इंजीनियर, जबलपुर में महेंद्र बड़बड़े, खंडवा में पिंकी वानखेड़े ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। 4 में से 3 सीट पर बीजेपी जीत गई है। जिला पंचायत चुनाव में बीजेपी की जीत, ग्रामीण इलाकों में बीजेपी की बड़ी जीत के तौर पर इसे देखा जा रहा है, वो भी तब जबकि गांव चलो अभियान चलाया जाना है पार्टी की तरफ से। 4 जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव में 3 पर बीजेपी ने कब्जा किया है। सीहोर में महेंद्र इंजीनियर, जबलपुर में महेंद्र बड़बड़े, खंडवा में पिंकी वानखेड़े। खास बात यह कि इन्होंने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। और इसी के साथ महासंग्राम 2024 में फिलहाल इतना ही। खबरें जारी।